गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम सीखेंगे हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप में व्हाट्सएप को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गूगल पर जाऊँगी। गूगल पर जाने के बाद मैं गूगल पर सर्च करूँगी व्हाट्सएप वेब, ये आ चुका है। तो मैं व्हाट्सएप वेब पर क्लिक करूँगी। व्हाट्सएप वेब पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी और ये हमारा QR कोड स्कैन करने के लिए आ जाएगा। मैं QR कोड को स्कैन करूँगी। QR कोड को स्कैन करती हूँ मैं। हम हमारे WhatsApp हमारे मोबाइल में जाएंगे और मोबाइल में हम WhatsApp पर क्लिक करेंगे और WhatsApp हमारा ओपन हो जाएगा। और WhatsApp ओपन होने के बाद हमारे ये थ्री डॉट्स दिखाई दे रहे हैं राइट हैंड साइड ऊपर के साइड। तो थ्री डॉट्स पर हम क्लिक कर देंगे और थ्री डॉट्स पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। हम लिंक डिवाइस पर क्लिक कर देंगे। लिंक डिवाइस पर क्लिक करने के बाद हम लिंक आर डिवाइस पर फिर से क्लिक करेंगे। और मैं अपने मोबाइल से QR कोड को स्कैन करती हूँ और ये हमारा QR कोड क्या हो चुका है, स्कैन हो चुका है। ये देखो हमारा QR कोड स्कैन हो चुका है और स्कैन होने के बाद ये हमारा व्हाट्सएप खुल चुका है हमारे लैपटॉप में। अब हम इसमें सेम मोबाइल में जैसे डेटा ट्रांसमिट करते हैं, फाइल, ईमेल, सॉन्ग, ये सब हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप खुल चुका है। ठीक है, तो ये हमारा व्हाट्सएप खुल चुका है और अब हम जैसे ही मोबाइल में यूज़ करते हैं वैसे ही हम लैपटॉप में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। के बाद हम इसको लॉग आउट भी कर सकते हैं। यहाँ से ये थ्री डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इसको हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने उसके बाद हम लॉग आउट पर जाकर हमारे व्हाट्सएप को लॉग आउट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप लॉग आउट हो चुका है। ठीक है, और हम यहाँ से भी हमारा व्हाट्सएप लॉग आउट तीन डॉट पर क्लिक है लिंक डिवाइस और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है गूगल क्रोम विंडो। तो विंडो में हमारा ओपन है तो हम इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। ये लॉग आउट हो चुका है, वहाँ से भी हमारा उस जिस सिस्टम में हमारा ओपन था वहाँ से भी क्या हो चुका होगा, लॉग आउट हो चुका होगा। ठीक है।